दौलत हाँ। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए ना। आए जो घर को लौट के जमाने निकल गए ना। और सोचा हाँ। सोचा कि कुछ पल बच्चों के संग गुजार लूं हाँ। पर बच्चे बड़े हुए तो कमाने निकल गए। सही बात है, ये टाइम टाइम की बात होती है। आएगा धुन बजी है, कौन सी गुरु कौन सी बता रहे हैं। हाँ बेटा चांटी भैया बढ़ा दो जने की। कहा फिल्म दुनिया वालों ने, क्या कहा फिल्म वालों ने के रंग महल के आजा बेटे ऐसी ढोलक बजा दो बेटा तो तुमको बरेली के झुमके दिलवाए देंगे, बहू के लिए ले जाना। रंग महल के दस दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्रीज की तरह गा रहे हैं। सर को झुकाए मैं तो तेरी खड़ी थी। अरे सर को झुकाए मैं तो तेरी खड़ी थी। ऐसे देखती से मोरी अखियां लगी सैया निकल कौन गली गए मोरी सुदौना लीनी कौन गली आइए राखी जी, हम कुत्तों वाला गाना नहीं गाते। ये नहीं गाते भाई, जहाँ माता रानी के दरबार हो वहाँ ये शराब और पता नहीं क्या क्या भी नहीं हम गाते। हम गाते देखिए, माताएं बहने बैठी हैं, ये बातें तो रास्ते में सफर अफर में होती हैं गुरु, दरबार में नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं गाते कि चरणों में रहने वाली खोपड़ी में चढ़ गए ना। देखो हम लोग गाते क्या है, माता बहने बैठी है, सुनिएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिए भैया, ऐसे ही आनंद आएगा आपको। जीवन साथी छूट गया है, पतिव्रता मन डोली रामा दल में आके
क्या बोले सती सुलोचना आई रामा दल में, क्योंकि मेघनाथ और लक्ष्मण ने जब मारा तो एक हाथ कटा एक भुजा कटी और लंका में गिरी और लंका की दीवार पे एक लेख लिख दिया कि ऐसे लोचना अब तेरा पति नहीं रहा। मतलब ये लेख लिखा देखा आई रामा दल में सुलोचना और राम जी से हाथ जोड़े सुलोचना के आंखों में आंसू है। प्रभु राम से कहा प्रभु मेरे पति को मार दिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी कमी है। बिल्कुल बैठ गई है तभी ऐसा हुआ। ठीक है सुलोचना सोच रही है क्या सोच रही हो क्या पति राम जी के दरबार में रामा दल में अरे आंसू भरे हैं आंखों में तो चाहिए। क्या बात है बेटे शाबाश सुनेगा निवेदन कर रहा हूं। लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी क्यों शीश रामा दल में भुजा लंका में पड़ी थी। राम जी ने कहा तुम्हारे सैया तो लड़े थे लेकिन तुम किससे लड़ी थे। तो कहा सुनिए प्रभु मैं किससे लड़ी सुनिए। क्या हुई है सती की मैं भी एक सती हूँ और वो भी एक सती है। नाग कन्या नर कन्या में जंग छिड़ी थी नाग कन्या नर कन्या में जंग छिड़ी थी सैया लड़े आइए दूसरी बात सुनेगा दूसरी बात सुनिए आप लोग। कहा श्रोता ने प्रभु राम काहे प्रभु जिस मंत्र का
उसी मंत्र का उच्चारण मैं भी कर रही थी। कौन सा मंत्र? के श्री राम श्री राम। बहुत अच्छे बेटे भाई प्रभु। श्री राम श्री राम मैं जब रही थी और इसी नाम से वो भी तप कर रही थी, इसी नाम से वो भी तप कर रही थी, लेकिन दोनों श्री राम का जाप कर रही थी। दोनों के लड़ाई में बाजी मारी उर्मिला ने, समझते जाइए गीत को। लड़ाई में बाजी मारी उर्मिला ने, मैं भी अड़ी थी जिद पे वो भी अड़ी थी, मैं भी अड़ी थी जिद पे वो भी अड़ी थी, तो सैया लड़े अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, अंतिम बात सुनिए आप लोग। सुलोचना ने कहा कि प्रभु सैया लड़े थे, मैं भी लड़ी थी, और मुझको सती होना है, तो राम का तुमको पति का शीश चाहिए तो हंसा लो और ले जाओ। ये तो सभी जानते हैं कि पति का कटा शीश हंसा, लेकिन आखिर वो हंसा कैसे? हंसा कैसे? ऐसा कौन सा कारण बन गया जिससे वो कटा हुआ शीश हंसने लगा? सुनिएगा, मैं बताता हूँ। सुनिए सुनिए कैसे हंसा। श्लोकर का अपने पति के शीश को देख के कहा, स्वामी स्वामी अगर मैं ऐसा जानती आपको मारेंगे लखन तो लेती बुलवा में पिता जाते खिलमन के सुमन, अगर मैं ऐसा जानती आपको लक्ष्मण मारेंगे तो मैं अपने पिता शेष राम को बुला लेती। इतनी बात उस कटे शीश ने सुनी तो हंसने लगा, हंसने लगा वो कटा शीश, हंसने लगा और कहा, सुनो हंसा शीश बोला जैसे कीर्तन सुनते वैसे साज को सुना जाता है। ये बेटा ये हंसा शीश बोला तेरे, तो सुलोचना ने कहा अगर मैं ऐसा जानती तो अपने पिता शेष नाम को भुला लेती। शीश हंसने लगा और कहा, सुनो कि हंसा शीश बोला तेरे पिता ने संघारा, तेरे पिता से सावकारी लक्ष्मण ही तो है। हंसा शीश बोला तेरे पिता ने संहारा, और तेरा पिता ही मेरी समझ ले का, तो सुमन के नयन असुमन
मन की क्या बात है, क्या बात है सुमन जी, लाव आंसू पड़ गए तुम्हारे। सुमन के नयन अश्रुवन की भैया लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी, शीश रामदन में भुजा लंका में पड़ी थी भैया लड़े थे मैंने चहल का तो दशा दासी की देख लो इसको कहते हैं कीर्तन। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, ये माल और माला माल। लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी, भैया लड़के थे प्रारंभ हुआ। आपने गाया क्या के रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, तो सैया निकस गए तो झींके वाले मास्टर साहब ने कहा क्या बात है गुरु, वाह बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की तरह गा रहे हो। उसमें तो बेटा लेडीज गाती, वैसे ये गाना तो लेडीज ने गाया है। हेलो 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 हेलो, वैसे फिल्मी गाना जो है उसमें तो लेडीज ने गाया है। लता मंगेशकर जी ने। और
आपके जी का मास्टर कह रहे हैं आप बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री से गा रहे हो। हाँ ये मोहम्मद रफी इतना गा रहे। चलो खैर छोड़ो। सैया लड़े थे मैं भी लड़ी थी। वाह आइए प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। क्या बेटा सुलोचना जब अपने पति का शीश लेके चलने लगी शीश कटा हुआ सर हंसने लगा। भगवान राम ने सुलोचना के पति का सर दे दिया और जब अपने पति का शीश लेके चलने लगी तो भगवान राम ने कहा सुलोचना सुनो मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात, तुमने अपने आप में और उर्मिला के साथ तुलना तो कर दी लेकिन जरा मेरी बात सुनो। सुनिए। अरे माना है मैंने ये कड़ा था या तपस्या करी थी। युद्ध ये कड़ा था या तपस्या की थी। सुनिएगा भाई साहब सुनिए। तो युद्ध ये कड़ा था या फिर तपस्या करी थी। ये कड़ा था या तपस्या करी थी। सुनो मैं बता रहा हूं। राम जी बोले ऐसा सोचना आज तुमको तुम्हारे पति के मरने का इतना दुख हो रहा है। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं ये घटना तो कभी घटती ही नहीं। क्यों 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 आज क्यों करती तो मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच की लड़ाई रोक सकती थी लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया इसलिए अरे समय की गति है विधाता की गति है तो समझ ना पाए ये कैसी गड़बड़ी थी। क्यों युद्ध ये कड़ा था ये करा 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 करा
कैसा हुआ तू? क्यों? राम जी कहने लगे, क्या जो तुम्हारे पति मेघनाथ जी हैं, आखिर ये थे कौन और इनको ये दंड मिला क्यों? सुने कैसा बुरा? पिछले जन्म में ये मेघनाथ शेषनाथ जिनके हजार फन हैं, उन हजार फनों में से एक फन अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गया। ये लो बेटे, ये लो बेटे, ये पैसा खत्म मत करना है, इसको सुबह नमस्ते इंडिया का दूध पीना है तुमको। मोहित हो गया, और जब वो फन अपनी पुत्री पर मोहित हो गया तो शेषनाग जी ने उस फन को अपने आप से अलग कर दिया और वही फन आकर के त्रेता में मेघनाथ बना। वही फन मेघनाथ बना, तो जो अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाल सकता है उसको तो करने का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सब हुआ। तो राम जी बोले, क्या इसलिए लगी थी संकट की झड़ी थी, तो युद्ध ये करा था या फिर तपस्या करी थी, ये करा था या फिर तो ये